अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो मौजू है टाइम मैनेजमेंट। हम में से बहुत सारे लोग, बड़े भी बच्चे भी, अक्सर औकात अपने मकासद को छोड़ के ज़िंदगी में इस तरह चल रहे होते हैं कि अपना बहुत सारा वक्त ज़ाय करते हैं। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो है टाइम जो है उसे प्रॉपर मैनेज करना कि किस तरह उसे हम पूरी तरह सही तरह यूटिलाइज कर सकें। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है जो सबसे अच्छे तरीके से अपने फॉलोअर्स को ना सिर्फ सिखाता है बल्कि पूरी ट्रेनिंग करता है कि कैसे आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। इस्लाम में सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारे सामने आती है, जो हमने करनी है, वो है अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो हर हाल में हमारे सामने रहनी चाहिए। लेकिन साथ ज़िंदगी के काम भी हैं, ज़िंदगी के बखेड़े भी हैं, बंदा बार बार बंदे की नज़र अपने इस टारगेट से हट जाती है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि हमारे लिए नमाज पंजगाना जो है वो बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग हमारे लिए अल्लाह ने दी है कि हमारी नज़र हमेशा अल्लाह की तरफ रहे। सो के उठें तो फौरन हमें अल्लाह की रज़ा जो है वो याद आए, हमारे सामने हो कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है और राज़ी करने के लिए हमें नमाज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं जिन्हें सोते में भी अल्लाह याद है तो वो जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद के बाद फिर नमाज फजर है, नमाज फजर के बाद अज़कार हैं या तिलावत का टाइम है, फिर उसके बाद नवाफल जो इशराक है, चाश्त है, वो तो वो लोग हैं जो बहुत अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह ने उन्हें ये वक्त दे रखा है। लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे और ऐसे लोग भी हैं जो ज़िंदगी के बखेड़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो हर वक्त उनके सामने ये बात नहीं रहती। अब सुबह उठे, जॉब पे गए या अपने काम पे गए, दुकान पे गए, लेकिन फिर ठीक जोहर का वक्त होता है तो जोहर के वक्त पे फौरन याद आता है कि मैंने अपने अल्लाह के लिए मस्जिद में जाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, तो मकसद हमारे सामने ही है। फिर जोहर से असर तक का वक्त और असर के बाद फिर बंदा अपने अल्लाह की रज़ा के लिए फिर अल्लाह के सामने सरब सजूद होता है, असर के बाद फिर मगरिब, मगरिब के बाद फिर इशा हो जाती है और फिर सोने का वक्त भी होता है। लेकिन सारे काम भी इंसान कर रहा होता है और याद इलाही और रज़ा इलाही, ये जो मकसद है बुनियादी इंसान का, वो इंसान के सामने होता है। इसी तरह ज़िंदगी में ख़ास तौर पे तलबा के लिए जो ये वीडियो है, ज़्यादातर तलबा के लिए ही मैंने देखा कि वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट कर जाते हैं कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उनके सामने ये बात नहीं होती। घर से कोई चीज़ लेने के लिए निकले हैं, घर वालों ने काम भेजा है, बाहर जाके कहीं कोई तमाशे वाला खड़ा है, उसके पास खड़े हो गए और वो जहन से निकल गया, वक्त ज़ाया हो गया। इसी तरह अपनी पढ़ाई जो है, जो मेन मकसद होता है, वो मकसद जहन में नहीं होता और दूसरे कामों में बंदा उलझा हुआ होता है। स्कूल से आए या कॉलेज से आए, यूनिवर्सिटी से आए, आने के बाद जो अपना स्टडीज़ का टाइम है, वो टाइम स्टडीज़ को प्रॉपर इसलिए नहीं दे पाते कि कभी मोबाइल पे हैं और अपनी गेम्स में हैं। गेम्स के बाद फिर दोबारा वापस उसी मकसद की तरफ हमारी नज़र नहीं होती। इस्लाम ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है कि अपने मकसद को सामने रखना चाहिए। अगरचे ज़िंदगी में हमारे पास सबसे बड़ा मकसद तो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ और छोटे छोटे मकासद या टारगेट भी हमारे पास होते हैं। हमें चाहिए कि उन टारगेट को प्रायोरिटाइज कर लें कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसे ही हम जल्द सबसे पहले करना चाहते हैं। जब हम उस के लाहमल पे काम शुरू करते हैं, उस अपने मकसद के हसूल के लिए काम करते हैं, तो वो मकसद हमारे सामने होता है। लेकिन बाद अवकात ये होता है कि कोई और काम दरमियान में आ गया या हमारी तवज्जो इधर उधर हुई तो हमारी नज़रें उस मकसद से हट जाती हैं। तो उस मकसद से हटना हमें नहीं है,
हमें मुसलसल वही काम करना है। अगर थोड़ी देर के लिए हमारी तवज्जो हटी भी, इधर हुई, लेकिन फिर दोबारा उसी मकसद की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और हमें तनदही से पहले अपना वो मकसद हासिल करना चाहिए। फिर उसके बाद जिसकी कम प्रायोरिटी है फिर उस मकसद की तरफ आना चाहिए। यानी जिस मकसद का हसूल हमारे सामने है वो मकासद हमारे सामने होने चाहिए। ये ना हो कि जैसे हमने मोबाइल तो उठाया था किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन फिर क्या देखा कि फेसबुक पे नोटिफिकेशन है, तो फेसबुक पे हम आके ऐसे फंसे कि वो बात ही जहन से निकल गई, तो असल मकसद से हम हट गए, या हम व्हाट्सएप पे चले गए, या कुछ लोग गेम एडिक्ट्स होते हैं तो वो गेम की तरफ आ गए, तो असल मकासद जो हैं ज़िंदगी के उनसे भी बंदा हटता है, और जो एक मेन मकसद किसी को ज़रूरी कॉल करना थी उससे भी बंदा जो है चूक जाता है। तो मेरा आज का ये बात करने का मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी जो है उसमें हमारे मकासद जो हैं एक तो बहुत वाज़े होने चाहिए, उनकी प्रायोरिटी हमारे सामने होनी चाहिए, और मकासद को सामने रख के मकासद के हुसूल के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो पूरा निज़ाम हमें इस्लाम दिया है वो इस्लाम जो है पूरा हमें ट्रेनिंग ही यही देता है कि हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे सामने ही रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन हम खसारे की तरफ हैं, तो यकीनन हम खसारे की तरफ हैं। जैसे सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम के इंसान खसारे में है। किस तरह से कि वो अपने मकसद को भूल बैठा है, दुनिया में आके दुनिया के झमेलों में और दुनिया के कामों में ऐसा मगन हुआ है कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की तरफ से उसकी तवज्जो हटी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस बात की तौफीक दे कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा मकसद है रज़ाए इलाही वो बिल्कुल हमारे सामने रहे, और बाकी जो छोटे मकासद हैं वो भी हमारे सामने रहें, ताकि हम ज़िंदगी कामयाब तरीके से गुजार सकें। इसी बात के साथ अब सब से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।